हेलो स्टूडेंट्स दिस इज डॉक्टर वी एस के रेड्डी एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स प्रोजेक्टाइल मोशन इस टॉपिक के ऊपर इस वीडियो में हमें 10 पी वाई क्यू या एम सी क्यूज को सॉल्व करना है लास्ट लेक्चर में हमने बहुत ही बेसिक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे इस वीडियो में हम थोड़ा हायर लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट वन वन First question A stone projected with a velocity u at an angle theta with the horizontal reaches maximum height h1. Okay. When it is projected with velocity u at an angle pi by 2 minus theta with the horizontal, it reaches the maximum height h2. Okay. So, here are two different cases or two different situations. Hai. First situation, mein, initial velocity u. और वो प्रोजेक्ट किया जा रहा है विथ एन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। उस वक्त मैक्सिमम हाइट कितना रीच कर रहा है वो एच वन ओके सेकेंड केस में या सेकेंड सिचुएशन में वही प्रोजेक्टाइल उतने ही इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं लेकिन अब एंगल जो भी है वो पाई बाय टू माइनस थीटा है हॉरिजेंडल के साथ सो so, उस वक्त उसकी मैक्सिमम हाइट कितना रीच हो रहा है वो एच टू ओके तो अब हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है द रिलेशन बिटवीन द हॉरिजेंटल रेंज एच ऑफ द प्रोजेक्टाइल एच वन एंड एच टू इज तो इसमें से क्या रिलेशन होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है तो so, यहाँ पर अगर आपने देखा होगा अच्छी तरह से तो फर्स्ट केस में एंगल जो भी है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इट इज़ ए टीटा सेकेंड केस में वो पाई बाई टू माइनस टीटा है ये दोनों के दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ओके तो फर्स्ट केस में जो भी एंगल है वो है टीटा सेकेंड केस में एंगल है पाई बाय टू माइनस थीटा, ओके okay? अब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होने की वजह से दोनों केस में रेंज जो भी होगा सेम होगा फर्स्ट केस में मैक्सिमम हाइट रीच कर रहा है एच वन सेकेंड केस में मैक्सिमम हाइट रीच कर रहा है एच टू ओके अब हमें इन तीनों में रिलेशन क्या है वो फाइंड आउट करना है तो आपको याद होगा कि मैक्सिमम हाइट का जो भी इक्वेशन है वो है एच वन फर्स्ट केस के लिए इट इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन टॉइस जी ओके और एच टू का क्या होगा सो एच टू सेकेंड केस में जो भी मैक्सिमम हाइट रीच करेगा सेकेंड केस में एंगल जो भी है वो पाई बाय टू माइनस थीटा है सो यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर साइन स्क्वेयर पाई बाय टू माइनस थीटा अपॉन टॉयस जी अब देखिए साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा होता है कॉस थीटा अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो ये साइन स्क्वेड पाई बाई टू माइनस थीटा की वैल्यू होगा कॉस स्क्ट थीटा ओके सो इस केस में एच टू की वैल्यू हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल टू यू स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन टॉइस जी ये हो गया एच टू की वैल्यू अब हम एच वन इंटू एच टू फाइंड आउट करते हैं क्या होगा सो एच वन इंटू एच टू इज ईक्वस टू देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट हम कर रहे हैं तो यू स्क्र इंटू यू स्क्र होगा यू टू दावर फोर साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वे थीटा साइन स्क्वेयर थीटा इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा अपॉन फोर जी स्क्वेयर फोर जी स्क्वेयर ओके सो दिस इज ईक्वस टू अब हमें एक रिलेशन पता है कि साइन टू इन टू साइन टीटा कॉस टीटा इज इक्वस टू साइन टू टीटा अब उस हिसाब से अगर यहाँ पे यू टू द पावर फोर यू टू द पावर फोर इन टू साइंस स्क्वे टू टीटा अगर मैं लिखता हूँ, ओके साइंस स्क्वेयर टू टीटा की वैल्यू कितना होगा फोर मल्टीप्लाइड बाय साइंसा इंटू कॉस्क्वे टीटा अब यहां पर फोर मुझे एडजस्ट करना होगा फोर में मल्टीप्लाई करूंगा फोर से मैं डिवाइड कर दूंगा तो फोर साइंस क्वे टीटा इंटू कॉसक्वाये डीटा दिस इसकी वैल्यू जो भी आएगा वो होगा साइंस क्वे टू डीटा ओके अब फोर इंटू फोर ये कितना हो जाएगा सिक्सटीन अपॉन सिक्सटीन जी स्क्वेयर ओके अब हमें रेंज का फार्मूला पता है रेंज का फॉर्मूला कुछ इस तरीके का होगा आर इज इक्वस टू यू स्क्वायर साइन टू टीटा अपॉन जी ओके अब ये रेंज की वैल्यू यानी टू टीटा जी अब आर स्क्र अगर करूंगा तो यह यू टू दावर फोर होगा अपॉन होगा सो यू टू दावर फोर साइन स्क्वेयर टू टीटा अपॉन जी स्क्वेयर इसकी जो भी वैल्यू होगा दिस इज इक्वल्स टू द दर स्क्वेयर होगा सो देर फोर वी कैन राइट हन इन टू एच टू इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर अपॉन फोर सो दिस गिवस आर स्क्वायर इज इक्वस टू फोर टाइम्स ऑफ एच वन इन टू एच टू ये हमें देगा आर इज इक्वस टू स्क्वेयर रूट ऑफ फोर एच वन एच टू ओके सो सॉरी यहाँ पे ये सिक्सटीन होना चाहिए सिक्सटीन होगा यहाँ पे ये सिक्सटीन होगा ओके तो यहाँ पे फोर बाहर आएगा स्क्वेयर रूट ऑफ रूट ऑफ एच वन इन टू एच टू सो ये इक्वेशन हमें मिला है इन तीनों में द इक्वेशन फर्स्ट इज करेक्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलासिटी ऑफ ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल ऑफ फोर्टी फाइव डिग्री विद द हॉरिजेंटल

और औब्लिक प्रोजेक्टर मोशन के लिए जो भी इक्वेशन फॉर ट्रेजेक्टरी होता है वो होता है वाई इज इक्वस टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेर अपॉन टू यू स्क्वेर कॉस स्क्वेयर थीटा ये इक्वेशन ऑफ प्राइजेक्टरी होता है ओके okay? और इस केस में जो भी इक्वेशन ऑफ प्राइजेक्ट्री दिया है वो है एच इज इक्वस टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर जब हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पे ए की वैल्यू मिलेगा ए की वैल्यू मिलेगा विच इज इक्वस टू टैन थीटा और बी की वैल्यू मिलेगा विच इज इक्वस टू ओके इसी को कंपेयर कीजिए एक्स स्क्वायर है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो बी की वैल्यू कितना होगा जी अपॉन टू यू स्क्वायेर कॉस्क्वायर थीटा जी अपॉन टू u square, cos स्क्वेर थीटा ओके तो ये हो गया ए की वैल्यू बी की वैल्यू अब हमें फाइंड आउट क्या करना है हमें फाइंड आउट करना है रेशियो सो ए अपॉन बी सो ए की वैल्यू सब्टिट्यूट कर देते हैं टेन थीटा अपॉन बी की वैल्यू सब्टिट्यूट कर देंगे जी इन टू जी अपॉन टू यू स्क्र कॉस स्क्टा जो कि ऊपर आएगा सो टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर

फोर्टी फाइव डिग्री होता है वन बाई रूट टू उसका स्क्वायर करेंगे तो वन बाई टू होगा ये वन बाई टू होगा डिवाइडेड बाय टेन जी की वैल्यू जब इसको सॉल्व करेंगे तो टू टू गेट कैंसल फोर हंड्रेड डिवाइडेड बाय टेन ये हो जाएगा फोर्टी फोर जीरो ओके सो ए अपॉन बी की वैल्यू आ रहा है फोर जीरो फोर्टी सो दे फोर एस टू बी शुड बी इक्वल्स टू फोर्टी टू वन तो ऑप्शन डी इज करेक्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन अ बॉल थ्रोन बाय वन प्लेयर रिचेस द अदर इन टू सेकंड. ओके सो एक प्लेयर uh, है जो बॉल को फेंक रहा है और दूसरे के हाथ में वो दो सेकंड के बाद जा रहा है द मैक्सिमम हाइट अटेंडेड बाय द बॉल अबो द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल बी अबाउट बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कुछ, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है बाकी कुछ नहीं दिया है इनिशियल वेलोसिटी नहीं दिया है उन्होंने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन नहीं दिया है सिर्फ उसने इतना कहा है कि बॉल जो भी रीच हो रहा है दूसरे प्लेयर के पास वो दो मिनट दो सेकेंड में रीच हो रहा है ओके okay? अब इस केस में उस ऑब्जेक्ट ने या उस बॉल ने कितना मैक्सिमम हाइट रीच किया है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये हमें फाइंड आउट करना है अगर यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं तो सिचुएशन देखिए यहाँ से बॉल को फेंका गया ओके उसका प्रोजेक्टल मोशन कुछ इस तरीके का होगा और यहाँ पे दूसरा प्लेयर है तो यहाँ से लेके कर यहाँ तक आने के लिए उसको दो सेकंड लग रहा है सो दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे होगा ओके यहाँ पे वो मैक्सिमम हाइट रीच कर रहे हैं तो यहाँ से लेके कर यहाँ तक का हमें हाइट फाइंड आउट करना है एच फाइंड आउट करना है सिर्फ दिया है टाइम ऑफ फ्लाइट विच इज़ इक्व टू टू सेकेंड ओके सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस वन सो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला हमें पता है दिस इज इक्व टू टू यू साइन ठीठा अपॉन जी ये फार्मूला पता है और इसकी वैल्यू कितना दिया है उन्होंने टू दिया है ओके तो टू जी की वैल्यू ले लेंगे हम जी की वैल्यू कितना लेना है हमें टेन लेंगे सो इट इज़ इक्वस टू टू यू साइन ठीटा ओके okay. सो so, इसके बेसिस पे हमें यू साइन थीटा की वैल्यू कितना मिल चुका है विच इज़ इक्वस टू टेन ये टू टू गेट कैंसिल यू साइन थीटा इज इक्वल टू टेन ओके सो इस वैल्यू को हम आगे जाके यूज़ करेंगे अब हमें फाइंड आउट करना है मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट का जो भी फार्मूला होगा दिस इज इक्वस टू यू स्क्वेयर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टॉइस जी ये फॉर्मूला है अब u साइन थीटा की वैल्यू में पता है टेन है ओके okay? तो यहाँ पे u स्क्वेयर साइन स्क्वेयर टीटा है तो टेन का स्क्वायर कितना होगा हंड्रेड अपॉन टू इंटू जी की वैल्यू कितना है टेन सो हंड्रेड डिवाइडेड बाई ट्वेंटी विच इज इक्वल्स टू फाइव मीटर ओके बहुत ही ईजी क्वेश्चन था लेकिन ये ट्रिक समझ में आना चाहिए कि एग्जैक्टली exactly सिर्फ टाइम ऑफ फ्लाइट दिया है तो उसके बेसिस पे मैक्सिमम हाइट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे तो हम इस तरीके से वो फाइंड आउट कर सकते हैं तो ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन अ बॉडी इज थ्रोन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद दॉजेंटल इट विल हीट द ग्राउंड आफ्टर द टाइम सिंपल क्वेश्चन है हमें यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना है और टाइम ऑफ फ्लाइट का जो भी फॉर्मूला है टी इज इक्वस टू टू यू साइन थीटा साइन थीटा अपॉन जी ओके अब यहाँ पे देखिए कि इनिशियल वेलोसिटी दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड, उसके बाद एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया है ओके okay? और जी की वैल्यू हम 10 या लेंगे या 9.8 लेंगे सो यू टू यू की वैल्यू होगा 9.8 पॉइंट एट मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा की वैल्यू कितना है साइन ऑफ थर्टी इज इक्व टू वन बाई टू अपॉन 9.8 9.8 so, 9.8 सो ये गेट कैंसल अगर यहाँ पे लेते हैं तो वन आएगा सेकंड सो so, बहुत ही सिंपल था ऑप्शन बी इज करेक्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल आर गिवन बाय एक्स इज इक्व टू थर्टी सिक्स टी मीटर में है और टू वाई इज इक्व टू नाइन्टी सिक्स टी माइनस नाइन पॉइंट एट टी स्क्वायर मीटर द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज ओके सो इनिशियल वेलोसिटी ने विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल कितना एंगल किया है वो हमें फाइंड आउट करना है ओके okay. सो so, यहाँ पे एक्स का डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम और वाई का डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम कैसे हो रहा है वो दिया है लेकिन इस इक्वेशन में देखिए थोड़ा कन्फ्यूज करने के लिए उन्होंने टू वाई इज इक्व टू दिया है हमें जनरली वाई इज इक्व टू चाहिए होता है ओके okay, तो पहला इक्वेशन जो भी है x इज़ इक्वस टू थर्टी सिक्स है थर्टी सिक्स है थर्टी सिक्स टी और y इज इक्वस टू क्या होगा सो नाइन्टी सिक्स डिवाइडेड बाई टू सो नाइन्टी सिक्स डिवाइड बाई टू कितना होता है तो ये होता है फोर्टी एट टी माइनस नाइन पॉइंट एट डिवाइड बाई टू ये होता है फोर पॉइंट नाइन टी स्क्वायर ओके ये हो गया है y की वैल्यू अब हमें वेलोसिटी कंपोनेंट सबसे पहले फाइंड आउट करना है तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, सो वी एक्स यानी हॉरिजेंटल वेलोसिटी कितना होगा सो इट इज़ अ डी एक्स बाई डी टी अगर डी एक्स बाई डी टी करते हैं तो ये होगा थर्टी सिक्स और वाई का कितना आएगा वी वाई सो वी वाई इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे फोर्टी एट आएगा माइनस नाइन पॉइंट एट टी ओके okay, ये टू नीचे आ जाएगा तो टू अगर नीचे आ रहा है यानी डेरिवेटिव जब ले रहे इसका तो फोर पॉइंट नाइन कॉमन निकलेगा टू टी स्क्र का डेरिवेटिव होगा टू टी तो टू मल्टीप्लाइड पर फोर पॉइंट नाइन होगा नाइन पॉइंट एट इन टू टी ओके डेरिवेटिव लेने के बाद अब हमें इनिशियल वेलोसिटी की ये वैल्यूज़ पता चल चुके हैं अब इनिशियल वेलोसिटी कब होता है बेटा इनिशियल वेलोसिटी होता है जब टाइम की वैल्यू होता है ज़ीरो सो so, इनिशियल वेलोसिटी के लिए वेन वी सब्टीट्यूट टी इज़ इक्वल टू जीरो उस वक्त वी एक्स की वैल्यू आएगा थर्टी सिक्स और वी वाई की वैल्यू आएगा फोर्टी एट क्योंकि टी की वैल्यू हो चुका है यहाँ पे ज़ीरो ओके okay. अब यहाँ पे हमें जब हम फाइंड आउट करते हैं वेलोसिटी सो so, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो भी होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज इक्वस टू टेन इनवर्स ऑफ वी वाई अपॉन वी एक्स आपने थेरी में देखा है वी वाई अपॉन वी एक्स वी वाई अपॉन वी एक्स सो दिस इज of टू इनवर्स ऑफ वी वाई की वैल्यू कितना है यहाँ पे 48 और वी एक्स की वैल्यू कितना है 36, ओके थर्टी सिक्स सो थीटा की वैल्यू आएगा यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ अगर 12 से ये करते हैं तो ये 4 बाई थ्री आ जाएगा सो so, 4 बाय थ्री ओके okay. अब एक साइड उसका फोर आ रहा है दूसरी साइड थ्री आ रहा है ओके okay? तो यहाँ पे आ, अदर साइड कितना आना चाहिए जो हाइपोटेनस होगा वो होगा फाइव हो. तो इस हिसाब से अगर हम अब इसमें इन्होंने क्वेश्चन जो पूछा है वो इसमें पूछा है थोड़ा मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता तो हूँ आपको मान के चलिए ये हमारा वर्टिकल एक्सेस है और ये हॉरिजेंटल एक्सेस है ओके okay? जो भी ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्टल मोशन हो रहा है उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो भी है इनिशियल वेलोसिटी कुछ इस तरीके का है इनिशियल वेलोसिटी ओके तो इसको और अच्छी तरह से ड्रा कर लेते हैं हम यहाँ पे ऐसे तो अब जो भी हमने यहाँ पे देखा है हमें थीटा मिला है थीटा की वैल्यू कितना है सो so, थीटा की वैल्यू जो भी है वो है यहाँ पे टेन इनवर्स ऑफ फोर बाय थ्री अब टेन इनवर्स ऑफ फोर बाय थ्री अगर ड्रॉ करते हैं तो वी वाई की जो भी वैल्यू आ रहा है ओके okay, वी वाई की जो भी वैल्यू आ रहा है दिस वन सो दिस वन इज इक्व टू फोर आ रहा है और ये जो भी साइड आ रहा है ये इज इक्व टू थ्री आ रहा है ओके okay? तो इन दिस केस अगर हम इस ट्रैंगल को अच्छी से देखते हैं तो ये राइट एंगल ट्रैंगल है और ये ठीटा है हमारा सो so थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स ऑफ फोर बाय थ्री आ रहा है उसके बेसिस पर हमने ये लिख दिया अपोजिट साइड अपॉन एडजस्टन साइड ओके okay. अब हमें इसी केस पे केस में से अगर इस साइड की वैल्यू निकालना है तो ये फाइव आ जाएगा ओके okay. अब मुझे थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन लिखना है या साइन ऑफ थीटा लिखना है सो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटिनियस तो फोर बाय फाइव आएगा सो so, थीटा की वैल्यू कितना आना चाहिए साइन इनवर्स ऑफ फोर बाय फाइव सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर अ गिवन वेलोसिटी अ प्रोजेक्टाइल हैज द सेम रेंज आर फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन इफ टी वन एंड टी टू आर द टाइम्स ऑफ फ्लाइट इन टू केसेस देन सो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा अब यहां पे जो भी डिस्कशन हो रहा है देखिए रेंज सेम है दो एंगल्स के लिए अब दो कोई भी एंगल्स के लिए रेंज कब सेम होता है अगर वो दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो उनके लिए रेंज सेम होता है और टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों के लिए डिफरेंट होगा तो ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं कि फर्स्ट जो भी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वो थीटा है और सेकंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो भी है वो पाई बाय टू माइनस थीटा है दोनों के लिए रेंज सेम होगा ओके दोनों के लिए रेंज सेम होगा दोनों के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट डिफरेंट होगा फर्स्ट केस के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट टी वन कंसिडर करेंगे सेकंड केस के लिए टी टू कंसिडर करेंगे अब इस हिसाब से फर्स्ट केस के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट अगर टी वन कंसिडर कर रहे तो उसका इक्वेशन क्या आएगा टू यू साइन थीटा अपॉन जी टाइम ऑफ फ्लाइट सेकेंड इसके लिए कितना आएगा सो टू यू साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा साइन ऑफ पाई टू माइनस थीटा ये पाई बाई टू है हाँ पाई बाई टू माइनस थीटा अपॉन जी सो दिस इज इक्वल्स टू टू यू कॉस थीटा अपॉन जी क्योंकि साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस थीटा की वैल्यू होता है कॉस थीटा ओके अब टी वन पता है टी टू पता है इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं सो देो टी वन मल्टीप्लाइड बाई टी टू इज इक्वल्स टू सो ये होगा टू यू साइन अपॉन जी इन टू यू कॉस थीटा अपॉन जी थोड़ा इसको रीअरेंज कर लेते हैं देखिए सो so, यहाँ पे यू है आ, यहाँ पे यू है तो यू यू स्क्वायर होगा सो so, यू स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक टू को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अब ऊपर क्या बचा है देखिए एक टू बचा है साइन टीटा कॉस टीटा सो टू साइन टीटा कॉस टीटा की वैल्यू होता है साइन टू टीटा साइन टू टीटा अपॉन जी स्क्वायर तो एक जी को एज इज रखूंगा और दूसरा जी यहाँ पे लिख दूंगा जी इंटू जी अब देखिए यहाँ पे यू स्क्वायर साइन टू टीटापॉन जी यू स्क्वायर साइन टू टीटापॉन जी इसकी वैल्यू होता है आर ओके सो दे फो यहाँ पे टू अपॉन जी इंटू आर सो एक ऊपर का जी बज गया था और नीचे एक जी बज गया था ऊपर टू और नीचे जी सो टू अपॉन जी इं टू आर अब यहाँ पे g कांस्टेंट है टू बी कांस्टेंट है ओके okay? और ये दोनों पॉजिटिव है तो इनका जो भी रेशियो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा सो दे वी कैन राइट हियर सो t1 t2 टी टू इज प्रपोर्शनल टू आर सो ये इक्वेशन हमें मिला है क्योंकि टू बाय जी ये कांस्टेंट होने की वजह से ये इक्वेशन आएगा सो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन बॉडी ऑफ हॉरिजेंटल अपलिजेंटल वेलोसिटी वी वैल राइजिंग थेरी में हमने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को देखा था लेकिन अब एमसीक्यू के फॉर्म में हमें कैसे सॉल्व करना है देखिएगा अगर कोई प्रोजेक्टर मोशन है ओके ये वर्टिकल एक्सिस और ये हॉरिजेंटल एक्सिस ऐसा कंसिडर करके चलते हैं तो यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को हम थ्रो कर रहे हैं ओके okay? तो इसका जो भी पाथ बनेगा तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज लाइक दिस वन ये ऊपर जाएगा और बाद में ये नीचे आएगा अब जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ये प्रोजेक्टाइल वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज होगा ओके okay? तो so हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उसका जो भी वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा और हॉरिजेंटल वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा तो ये हमने ऑलरेडी थेरी में देखा था उस वक्त कि वर्टिकल कंपोनेंट जो भी है वो डिफरेंट होगा और ये डिफरेंट होगा सो so, हॉरिजेंटल कंपोनेंट को का हम वी एक्स कंसिडर करेंगे और वर्टिकल कंपोनेंट को वी वाई कंसिडर करेंगे सो वी एक्स की वैल्यू कितना होता है सो वी एक्स इज इक्वल्स टू यू थीटा यू इज़ ए इनिशियल वेलोसिटी एंड थीटा इज ए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यू कॉस थीटा होगा इस डायरेक्शन में जो कि हमने थेरी में देखा था वेलोसिटी कंपोनेंट कॉम्पोन वाई एक्सिस कितना होता है एंड वर्टिकल कंपोनेंट कितना होता है सो दिस इज इक्वल टू अब यहाँ पे अगर हम एच हाइट लेते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ओके तो एच की वैल्यू बढ़ेगा अगर इक्वेशन ऑफ मोशन में हम इसको यूज़ करते हैं तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे वी इज इक्वल यू प्लस ए टी तो ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी जो भी है इसका है यू साइन थीटा माइनस जी टी और ये होगा वी वाई so, सो वी वाई की वैल्यू हम यहाँ पे सब करेंगे यू साइन थीटा माइनस जी इन टी ओके okay, अब वी एक्स भी मिल गया और वी वाई भी मिल गया अब हमें इंस्टेंटनेस वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वी एक्स स्क्वेयर प्लस वी वाई स्क्वेयर क्योंकि ये जो भी इक्वेशन आएगा वेलोसिटी का एट एनी इंस्टेंट दिस वेलोसिटी वेक्टर इट इज इक्वल्स टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे ओके तो अब इसका मैग्नीट्यूड अगर लेते तो मैग्नीट्यूड का ये फॉर्म आएगा तो दिस इज इक्वल्स टू अब अंडर रूट ऑफ वी एक्स की वैल्यू कितना है यू कॉस थीटा उसका स्क्वायर तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी वाई स्क्वायर इस होल टर्म का स्क्वायर होगा तो यहाँ पे यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर ये ब्रैकेट सॉरी स्क्वायर रूट पूरा रहेगा सो दिस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में ओके स्क्वायर रूट में क्या होगा सो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर तो उस हिसाब से यू स्क्वायर साइंस स्क्वायर थीटा माइनस ट्वाइस यू साइन थीटा इन जी टी सॉरी साइन थीटा इंटू जी टी प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर अब यहाँ पे देखिए यू स्क्वेयर कॉस्क्वे थीटा यू स्क्वायर स्क्र थीटा ये इनका वैल्यू हो जाएगा यू स्क्वायर क्योंकि कॉस्क्वे थीटा प्लस साइंसक् थीटा की वैल्यू वन होगा सो तो ये होगा यू स्क्वेर प्लस जी स्क्वेयर टी स्क्र जी स्क्वेयर टी स्क्र माइनस ट्वाइस यू साइन टीटा ट्वाइस यू साइन थीटा इंटू जी टी ओके अब यहाँ पे इन्होंने सिर्फ यू की जगह पे वी कहा गया क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इन्होंने वी लिया है ओके सो वी स्क्वेयर प्लस जी टी स्क्र माइनस टू यू साइन टीटा इंटू जी टी तो ये आंसर अमेरिका से दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट वन यस ऑप्शन सी इज करेक्ट वन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इन द दबसेस ऑफ एयर ड्रैग इज शोन इन फिगर बाय डॉटेड लाइन ओके ये वाला लाइन इफ द एयर रेजिस्टेंस इज नॉट इग्नोर then विच ऑफ द path शोन इन द फिगर इज appropriate फॉर प्रोजेक्टाइल ओके सो जब एयर रेजिस्टेंस हम काउंट नहीं कर रहे थे उस वक्त उसका जो भी पाथ था प्रोजेक्टाइल का तो वो इस तरीके से था ओके मान के चले कि जिस वक्त ये प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू था और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ठीका था अब वो दोनों कॉन्स्टेंट रखेंगे सिर्फ यहां पर एयर रजिस्टेंस होगा ओके okay? अब जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है तो जो भी एयर का ड्रैग होता है ओके एयर की वजह से जो भी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा जो भी अपोजिशन होगा उसको हम एयर ड्रैग बोलेंगे अब उस एयर ड्रैग ये वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होता है अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एयर ड्रैग नीचे के डायरेक्शन में एक्ट होगा ओके उसको उसके मोशन को वो अपोज करता है तो इस हिसाब से अगर आप ध्यान से देखेंगे इस प्रोजेक्टर मोशन को तो, तो यहाँ पर जो इनिशियल एच मिल रहा था हाइट और जो भी रेंज मिल रहा था इनिशियल कंडीशन में विदाउट एयर ड्रैग अब उसके कंपैरिजन में एच भी कम होना चाहिए और आर भी कम होना चाहिए यानी पार्टिकल ने मैक्सिमम हाइट कम रीच करना चाहिए और रेंज भी कम होना चाहिए अब हम अलग अलग पाथ देखेंगे अब यहाँ पर देखिए ए पाथ ए पाथ में एज कंपेयर टू इनिशियल प्रोजेक्टल मोशन का जो भी प्राजेक्ट्री या पाथ है उसके कंपेरिजन में इसका रेंज तो कम मिला लेकिन हाइट ज़्यादा मिला तो ए नहीं हो सकता ओके बी देखिए बी में हाइट भी कम है और रेंज भी कम है तो बी हो सकता है सी देखेंगे सी और डी में सी में हाइट कम हो गया लेकिन रेंज बढ़ गया तो ये नहीं हो सकता डी में रेंज भी बढ़ गया और हाइट भी बढ़ गई तो ये भी नहीं हो सकता तो करेक्ट ऑप्शन जो भी है ऑप्शन बी पाथ है और यहां पे ऑप्शन ए है नेक्स्ट क्वेश्चन बॉल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी वे नॉट एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन थर्टी डिग्री ओके मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अब यहां पे देखिए एक प्रोजेक्टल मोशन हो रहा है विथ इनिशियल वेलोसिटी वे नॉट एंड उसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो भी है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दैट इज इक्वस टू थर्टी डिग्री ओके द काइनेटिक एनर्जी विल बी ज़ीरो एट द हाइस्ट पॉइंट ऑफ द ट्राजेक्ट्री वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम विल बी कॉन्जर्व हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम विल बी कॉन्जर्व ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम ऐट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्राजेक्ट्री अब इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तो करेक्ट ऑप्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे प्रोजेक्टर मोशन को वो कैसे होगा तो यहाँ पे इमेजिन कीजिए कि यहाँ से प्रोजेक्टर मोशन हो रहा है ओके सो so, यहाँ से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं विद द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा और उसकी इनिशियल वेलोसिटी वे नॉट है तो जैसे जैसे ये प्रोजेक्टाइल का मोशन होगा तो उसका पाथ जो भी बनेगा द पाथ इज लाइक दिस वन इस तरीके से उसका पाथ बनना चाहिए ओके अब यहां पे अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो इस डायरेक्शन में ऑरिजन डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है जीरो है ओके और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है विट इज इक्वल टू जी एक्सेलरेशन डू टू तो ग्रेविटी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ओके अब इनिशियली जो भी तो वेलोसिटी के इसके कंपोनेंट्स रहेंगे एक इस डायरेक्शन में रहेगा दिस शुड बी इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा वे थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और इस डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी होगा इट इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा ओके अब ये वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है और वर्टिकल डायरेक्शन में उस प्रोजेक्टल का डी एक्सेलरेशन हो रहा है और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो किसी भी इंस्टेंट पे ये जो भी वेलोसिटी का कंपोनेंट है ये सेम रहेगा यानी वी नॉट कॉस थीटा ये जो भी वैल्यू है वो सेम रहेगा किसी भी इंस्टेंट पे किसी भी इंस्टेंट पे ओके okay? अब अगर उस प्रोजेक्टल का मास अगर हम एम कंसिडर करते हैं तो मास इंटू वेलासिटी इस कॉन्जल मोमेंटम अब यहाँ पे हमें देख रहा है कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन में उसका वेलासिटी कॉन्स्टेंट है वेलासिटी कॉम्पोनेंट कॉन्स्टेंट है और मास भी कॉन्स्टेंट है तो दोनों का प्रोडक्ट सेम होना चाहिए इसलिए हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम विल बी कॉन्जर्व वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा इस प्रोजेक्टल मोशन में अब हम वर्टिकल डाइक्शन में कंसिडर करते हैं तो ये जो भी वी नॉट साइन टिटा है जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है या प्रोजेक्टल ऊपर जा रहा है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी कम हो रही है और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू जीरो होगा और जैसे जैसे यहाँ से नीचे आएगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी की वैल्यू अब रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ते जाएगा ओके मास तो सेम है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रहा है देर द वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ मोमेंटम नॉट कॉन्जर्व अब ये क्यों करेक्ट नहीं है वो भी देख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो एट द हाइस्ट पॉइंट जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि हाईस्ट पॉइंट पे हॉरिजेंटल वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट वहाँ पे बचा हुआ है वो उतना ही है जितना यहाँ पे था ओके okay? तो वेलोसिटी जीरो नहीं होगा हाइस्ट पॉइंट पे उस प्रोजेक्टल का अगर वेलोसिटी जीरो नहीं है तो कायनेटिक एनर्जी का जो भी इक्वेशन है विच इज इक्व टू हाफ एम इन टू वी स्क्वायर तो वेलासिटी की वैल्यू है मास भी है तो देफो काइनेटिक एनर्जी इज नॉट जीरो सो ये ऑप्शन भी गलत है उसके बाद लास्ट ऑप्शन क्यों गलत है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम एट द हाइएस्ट पॉइंट अब बेटा अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो एच बढ़ेगा ओके okay? एच बढ़ेगा जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहे हैं तो एच की वैल्यू बढ़ रहा है वर्टिकल डिस्टेंस बढ़ रहा है तो एच अगर बढ़ता है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होता है एम जी एच ओके अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो एच की वैल्यू बढ़ेगा अगर एच की वैल्यू बढ़ता है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा लेकिन इनका कहना है कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम एट अ हाइएस्ट पॉइंट जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है हा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम एट अ हाइएस्ट पॉइंट अगर ये बोला होता तो ये ऑप्शन करेक्ट होता है okay, ओके तो चारों में से जो भी हमने डिस्कस किया है ऑप्शन सी इज करेक्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन फोर बॉडीज पी क्यू आर एस आर प्रोजेक्टेड विद इक्वल वेलोसिटीज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन डिग्री थर्टी डिग्री फोर्टी फाइव डिग्री एंड सिक्स विद द हॉरिजेंटल ओके बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है ओके okay, इसका आंसर हमें मिलने के बाद बहुत आसानी होगी इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें उसको समझने में ओके okay, सो so यहाँ पे देखिए फोर डिफरेंट प्रोजेक्टर्स है फर्स्ट इज पी जिसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है फिफ्टीन डिग्री सेकेंड है क्यू जिसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थर्टी डिग्री थर्ड वन इज है आर जिसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है फोर्टी फाइव डिग्री और फोर्थ है एस जिसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है सिक्सटी डिग्री ओके अब यहाँ पर शॉर्टेस्ट किसका होगा तो यहाँ पर देखिए थर्टी डिग्री और सिक्सटी डिग्री ये तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है इन दोनों के लिए रेंज जो भी होगा सेम होगा और 45 डिग्री जब होता है एंग प्रोजेक्शन उस वक्त हमें मैक्सिमम रेंज मिलता है ओके हमें शॉर्ट चाहिए तो एक चीज इसमें हमेशा याद रखिएगा मैक्सिमम रेंज हमें कब मिल रहा है ये 45 डिग्री पे मिल रहा है जब थीटा की वैल्यू ये 45 डिग्री होता है अब इससे जितना एंगल एक तो कम रहेगा या सबसे ज्यादा रहेगा ओके थीटा यानी फोर्टी डिग्री से एंगल सबसे यानी कम होना चाहिए और इससे बहुत ज़्यादा होना चाहिए उस केस में रेंज सबसे कम होता है ओके ज़्यादा मीन्स अगर आप एटी नाइन डिग्री ले रहे हो 88 एट डिग्री ले रहे हो ओके इन दिस वे एटी डिग्री ले रहे हो तो इनमें से 45 फाइव के सबसे दूर कौन है एटी नाइन है तो इसके लिए रेंज सबसे कम रहेगा उसी तरह अगर इस साइड आते लोअर साइड तो वन डिग्री टू डिग्री थ्री डिग्री फोर डिग्री इन दिस वे थर्टी फाइव डिग्री ओके, okay. सो so, इस केस में सबसे कम कौन है तो सबसे दूर जो भी है वो वन डिग्री है तो वन डिग्री यानी फोर्टी फाइव डिग्री जो भी मैक्सिमम रेंज दे रहा है इससे एक तो बहुत कम होना चाहिए या बहुत ज़्यादा होना चाहिए उस एंगल पे हमें शॉर्टेस्ट रेंज मिलेगा अब यहाँ पे फोर्टी फाइव डिग्री से सबसे कम इन चारों में से बचे हुए तीनों में से कौन सबसे कम है तो ये है ओके okay, फिफ्टीन डिग्री तो फिफ्टीन डिग्री जो भी है इस एंगल पे जब हम प्रोजेक्ट करेंगे प्रोजेक्टल को उस वक्त रेंज सबसे कम होगा तो ऑप्शन पी बॉडी ऑप्शन ए इज करेक्ट वन ऑप्शन ए इज करेक्ट वन ओके okay, स्टूडेंट्स यहाँ पे हो गए दस क्वेश्चन जिनको हमने कर लिया सॉल्व उम्मीद करता तो हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह हम बहुत सारे एम आने वाले दिनों में सॉल्व करने वाले हैं और साथ ही साथ एच सी वर्मा सर की जो किताब है उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स दिए हैं सभी कंसेप्ट को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है वन बाय वन ओके okay? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए थैंक यू वेरी मच बाय बाय